Now the information education, the communication. See? So the definition of the IEC can be defined as an approach which attempt to change and to reinforce a set of behavior in a target audience regarding the specific problem in a predefined period of time, according to the Reproductive Health and Research, WHO. So what is the IEC, information education and communication? It can be defined as an approach, okay, through which we are attempt to change the behavior of the target people. Okay, those are having a specific problem. For example, nowadays the people are suffering from the COVID, okay, and they are having a different kind of myths also regarding the COVID, even though they are not willing to get vaccination also. Okay, if their situation slight fall, they will go for the hospital rather than they're doing the yoga and exercises and breathing exercises. Easily, if they are doing the breathing exercises and the yoga, they can easily upgrade their saturation rate. But suddenly, due to of the different kind of the information, they will get different information from different medias. So they get confused, and whenever they got the positive record and report regarding the COVID-19, they get panic. और उस पैनिक की वजह से क्या हो रहा है, पेशेंट को मोर प्रॉब्लम्स हो रही हैं. तो द प्रॉब्लम इज एक्चुअली इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन उन्हें पास की जा रही है या फिर जो इंफॉर्मेशन उन्हें मिल रही है अपने पेयर ग्रुप से या अपने फ्रेंड सर्कल से या उनके सोशल सपोर्टिव जो सिस्टम है, ठीक है, उनसे जो इंफॉर्मेशन मिल रही है. सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट थ्रू द कम्युनिकेशन इज अ चैनल. ओके, सो थ्रू द कम्युनिकेशन वी हैव टू प्रोवाइड द information, the true information to the people to change their behavior toward the particular problem. Understood to all? Or shall I repeat again? Dobara bolu, samajh mein aa gaya? Ek baar aur bata dijiye ma'am. IEC, Information Education Communication, यानी कि कम्युनिकेशन से जो हमारी एजुकेशन से एजुकेट करना पीपल को इज अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है, इंफॉर्मेशन इज अ काइंड ऑफ फैक्ट. ओके, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन क्या है? इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन एक अप्रोच है जिसके थ्रू हम जो टारगेट ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस वो जो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से सफ़र कर रही है. फॉर एग्जांपल, हम हाइपरटेंशन के पेशेंट को इंफॉर्मेशन देते हैं रिगार्डिंग हाउ दे आर प्रिवेंट द रिड्यूस देयर ब्लड प्रेशर. ठीक है, और इफ द एनी कम्युनिटी आर सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिजीज कंडीशन और एनी काइंड ऑफ द कम्युनिकेशन डिजीज कंडीशन, सो वी विल अवेयर द पीपल रिगार्डिंग द हाउ वी विल रिड्यूस दिस कम्युनिकेशन डिजीज सो दैट दिस डिजीज विल नॉट बी स्प्रेडिंग फ्रॉम वन टू अनदर पर्सन. तो वो किसी क्या है, किसी पर्टिकुलर टारगेटेड ग्रुप में है या पर्टिकुलर टारगेटेड एरिया में है. ठीक है, तो उस ग्रुप के जो पीपल्स हैं, जैसे उस पर्टिकुलर ग्रुप यानी कि जैसे चिकन पॉक्स है, ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, जिन फीमेल्स के बेबीज स्मॉल हैं, लेस देन 5 ईयर ओल्ड हैं, लेस देन 7-10 ईयर ओल्ड हैं, हमने उन्हें एजुकेट किया रिगार्डिंग चिकन पॉक्स के लिए कि कैसे बेबी को आपको ट्रीट करना है, क्या आपको करना है, किस तरीके से आपको बेबी की केयर प्रोवाइड करनी है. ठीक है, कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटल से दिखाना है. ठीक है, किन चीज़ों से आपको उसे प्रिवेंट करना है, प्रोटेक्ट करके रखना है. सो दीज ऑल द थिंग्स वी विल प्रोवाइड इन द दीज ऑल इंफॉर्मेशन वी विल प्रोवाइड टू द कम्युनिटी. ठीक है, इससे क्या होगा, हम उनके जो बिहेवियर हैं, जो उनकी कॉन्सेप्ट है, जो उनके परसेप्शंस हैं, उनमें हम चेंजेस ला सकते हैं. ठीक है, बिकॉज इन आर सोसाइटी मैनी काइंड ऑफ द परसेप्शन एंड द मिथ्स आर देयर, जिनकी वजह से वो क्या करते हैं, वो एक्चुअल जो थिंग्स हैं उन्हें फॉलो नहीं करते हैं. सो एक एजुकेशन क्या है, एजुकेशन इज अ काइंड ऑफ अप्रोच जिसके थ्रू हम थ्रू द कम्युनिकेशन कम्युनिकेट करके, यानी पीपल से कम्युनिकेट करके उन्हें प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, एंड दैट इज द IEC. अब समझ में आया? Yes, ma'am. Now the IEC concept.
IEC. There are the three dynamics. The first is information, second is education, third is the communication. So information is the facts, data, socio-economical, political profile. ठीक है, इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है, कोई भी फैक्ट्स हो सकता है, ठीक है, जिसके रिगार्डिंग आपके पास एविडेंस है या नहीं है. फैक्ट्स तो बहुत सारे हैं वर्ल्ड में, राइट. डाटा, स्टैटिकली डाटा दैट दीज मैनी पीपल आर सफरिंग फ्रॉम दीज पर्टिकुलर डिजीज कंडीशन एंड दीज मैनी पीपल हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ साइन एंड सिम्टम्स एंड वी हैव टू अवेयर द पीपल्स दैट इफ दे हैविंग दीज मैनी साइन एंड सिम्टम्स इट मे बी दे आर ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिजीज कंडीशन. तो वो आपका डाटा कहता है, स्टैटिकली जो आपने कलेक्ट किया करता है, स्टैटिकली यानी जो रिसर्च के थ्रू हमें डाटा मिला है उसके समय, उसके अलावा हमें प्रूव हुआ है, हमने प्रूव किया कि अगर पेशेंट को ये साइन एंड सिम्टम्स आते हैं तो पेशेंट इस पर्टिकुलर डिजीज कंडीशन से सफर करता है, राइट. अंडरस्टूड. तो वो क्या है, स्टैटिकली डाटा है जो हमने रिसर्च से लिया है और उसको एविडेंस दे रहा है कि ऐसा है, रिसर्च ने वो प्रूव किया है. ठीक है, इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमें कहाँ से मिली, रिसर्च करने से मिली. फैक्ट्स, फैक्ट्स यानी कि ऐसे अजम्पशंस जो हम अज्यूम तो करते हैं लेकिन उसके लिए हमारे पास कोई एविडेंस नहीं होता. ठीक है, सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल प्रोफाइल जो हमारे सोशल इकोनॉमिकली जो इंफॉर्मेशन हैं वो हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं. तो इट्स ऑल कम्स अंडर द इंफॉर्मेशन. एजुकेशन, एक्टिवेटेड नॉलेज. एजुकेशन एक्टिवेटेड नॉलेज मतलब जो जो टारगेट पॉपुलेशन है जिन्हें कि हम एजुकेट कर रहे हैं, तो दे आर सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिजीज कंडीशन. ठीक है, उनकी नॉलेज को अपडेट करना, एक्टिवेट करना. ठीक है, उन्हें एक राइट, एक करेक्ट डायरेक्शन देना सो दैट दे हैव टू प्रिवेंट देयर सेल्फ फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज कंडीशन. फॉर एग्जाम्पल, यू ऑल आर गोइंग फॉर द कम्युनिटी पोस्टिंग इन अ कम्युनिटी एरिया, इन डिफरेंट कम्युनिटी एरिया. देयर दे फर्स्ट यू हैव टू फाइंड how many people are suffering from that particular disease condition, okay, or whenever you are the family, doing the family visiting, okay, then you have to find out that any family member are suffering from diabetic mellitus or the hypertension or any other disease condition. So on the basis of the patient disease condition you have to find out the need, and then on the basis of the need you have to provide the education to the people. Jo unhe education actually unke paas nahi hai, they didn't get any kind of the information regarding how to prevent this particular disease condition. Jis condition se wo suffer kar rahe hain unke paas uske regarding koi education nahi hai, aur jo unke paas hai wo wrong myths hai ya phir unhe complete information provide nahi ki gayi hai. ठीक है, गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी निकाली है, उस पॉलिसी के रिगार्डिंग पेशेंट को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बीइंग अ हेल्थ वर्कर वी हैव टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो इंफॉर्मेशन देने से क्या होगा, उनकी जो एजुकेशन है वो अपडेट होगी, एक्टिवेट होगी. ठीक है, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का डिसेमिनेशन यूजिंग अ वेरियस चैनल. ठीक है, कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन द चैनल. हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन we are sharing the ideas, okay, through a different kind of channel, like जैसे आपने mass media communication किया है या face to face communicate कर रहे हो. ठीक है, या फिर आपने communication के लिए different media use किए हैं. ठीक है, तो communication क्या है, communication वे है जिससे आप उनकी education को upgrade कर रहे हो through the information. अब समझ में आया. So there are the generally three main concepts of the IEC, that is the information, education and the communication. Now what is the aim of IEC? To change the health behavior of the individual, family and community. To prepare the background or the basis for the changes in the health behavior, to change the norm of the community, to facilitate the education for audience about the public health, and to create the awareness in a public opinion to obtain the social political support for the health activities. Okay, so these are just wait. Okay, so these are the aims of the IEC. Okay, the first one is through the IEC, that means the information, education, the communication, we will change the behavior of the individual for providing the actual knowledge regarding the particular disease condition. Okay, next one is to prepare the background and the basis for the change in the health behavior. So how
दे विल प्रोवाइड अ बैकग्राउंड. बैकग्राउंड मीन्स फॉर एग्जाम्पल यू हैव इन दैट मच ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पर्टिकुलर डिजीज कंडीशन. जैसे कि मैंने कहा कि अभी तक जितने भी पेशेंट कोविड से सफर कर रहे हैं तो दे हैविंग अ कोविड, दे हैविंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ सिम्टम्स. ठीक है, तो उन सिम्टम्स के बेसिस में हमने पेशेंट को क्या किया है, मेडिसिन प्रोवाइड की है. ठीक है, उस पेशेंट से जो होम रेमेडीज के ही थ्रू जो ठीक हो गए हैं, कुछ पेशेंट है जिन्हें होम क्वारंटाइन किया हुआ है, कुछ पेशेंट है जिन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की नीड है. ठीक है, तो हमने ये कैसे फाइंड आउट किया, हमारे पास जो बैकग्राउंड डाटा था, बैकग्राउंड डाटा यानी कि दिस ईयर और जो प्रीवियस ईयर में जो कोविड के पेशेंट्स थे उन्हें क्या थे, डिफरेंट सिम्टम्स थे. ठीक है, उनमें डिफरेंट डिफरेंट रिसर्चेस की गई थी. मैम बोलो. मैम वो उजाला बाहर वेट कर रही है, उसको ऐड कर लीजिए. आप बच्चे लेट आओगे ना तो मैं आपको ऐड नहीं करूँगी. ठीक है, आपको टाइमिंग पता होना चाहिए क्लास का. नेक्स्ट टाइम मैं एब्सेंट कर दूंगी. अंडरस्टूड? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास लास्ट ईयर का डाटा है, आपने उसमें से देखा कि बहुत से ऐसे पेशेंट्स थे जिनमें डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में रिसर्च की गई कि अगर आप बीटा डिन गार्गलिंग करते हैं और होम क्वारंटाइन कोई पेशेंट है तो अनदर फैमिली मेम्बर का बीटा डिन गार्गलिंग कर रहे हैं तो उस पर जो स्प्रेडिंग रेट है वो डिक्रीज हो गया. तो इससे हमने क्या किया, एक प्रैक्टिस फॉलो करी कि हम बीटा डिन गार्गलिंग करेंगे जितने लोग भी होम क्वारंटाइन हैं. ठीक है, उनके फैमिली मेम्बर्स या पेशेंट ऑल्सो बीटा डिन गार्गलिंग करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो स्प्रेडिंग रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, और ये हमें कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली, रिसर्च के थ्रू मिली. तो ये क्या है, उसका बैकग्राउंड डाटा है. अंडरस्टूड? टू चेंज द नॉर्म्स ऑफ द कम्युनिटी. ओके, तो थ्रू द एजुकेशन व्हेनेवर वी आर प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द पेशेंट और द पर्टिकुलर ग्रुप, वी हैव टू चेंज द नॉर्म्स ऑफ द कम्युनिटी. ठीक है, जो भी नॉर्म्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो पॉलिसीज है कम्युनिटी की, वो हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं. किसके थ्रू? इंफॉर्मेशन के थ्रू. ठीक है, टू फैसिलिटेट द एजुकेशन फॉर द ऑडियंस अबाउट द पब्लिक हेल्थ एंड टू क्रिएट द अवेयरनेस इन पब्लिक ओपिनियन. ओके, सो वी हैव टू फैसिलिटेट द एजुकेशन टू द ऑडियंस अबाउट द पब्लिक हेल्थ. सो वट इज द एग्जैक्ट एम बिहाइंड द एजुकेशन, प्रोवाइडिंग द एजुकेशन, दैट इज to aware the people, they have to maintain their own health, because everyone, the first and the most priority is to maintain your health. Okay, so we have to enforce the audience, they have to maintain their health, prevent the different kind of disease conditions, and also regarding that we have to aware the people. Okay, to obtain the social political support for the health activities, and also through the awareness, through the information, we have to obtain the social political support for the health activities. जितने भी health activities हैं हम क्या करते हैं, उन्हें socially या politically support करते हैं. ठीक है, जैसे कि for example government ने कोई policy निकाला है. ठीक है, और रूरल एरिया में आपको वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन सेंड करना है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हेल्थ एजुकेशन के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट कैंप्स करके, काउंसलिंग करके, पीपल्स को अवेयर करते हैं. उससे क्या होगा, हम सोशली पॉलिटिकल के साथ एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है, अवेयरनेस कर रहे हैं, हेल्थ सिस्टम को इन्हांस कर रहे हैं, हेल्थ सिस्टम जो एक्टिविटीज़ हैं उन्हें इन्हांस कर रहे हैं, एक तरह से उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं. ठीक है, सोशल लेवल में, पॉलिटिकल लेवल में. Now the scope of or the field of IEC in relation to health. Okay, so these are the scope of IEC. Scope means आप कहाँ कहाँ कर सकते हो, कहाँ कहाँ information provide कर सकते हो, जहाँ need होगी वहाँ हम information provide करेंगे, किसके through हम कर सकते हैं. The first one is the primary health care. Second is the prevention and the control on communicable diseases. Reproductive health and the maternal child health services, family welfare, nutritional services and the personal hygiene. So we have to aware the people regarding the family health care. Family health care is a basic health care, how they will prevent themselves from different kind of disease condition, or another thing is how the people are maintaining their health through their diet. Okay, next one is the prevention, the control of the communicable diseases. So we have to aware the people regarding the
communicable diseases, how they will prevent from the communicable diseases, what kind of the measure they have to apply. Okay, if the communicable diseases are spreading in a particular area, then that time we have to organize one camp or one awareness program for that particular area. Okay, reproductive health, maternal child health services. So as we are known that इंडिया का सबसे बड़ा क्या एक इशू है रिप्रोडक्टिव हेल्थ मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज फाइव बिकॉज स्टिल द एमएमआर रेट एंड द आईएमआर रेट बोथ आर इंक्रीज वी आर नॉट अचीविंग स्टिल दिस आवर गोल दैट इज 100 इन 1 लाख डेथ होंगे बट अभी हमारा कितना चल रहा है 232 चल रहा है यानी कि हम 132 अभी क्या हैं पार हैं गोल को अचीव करने के लिए That's why the government are generally focusing on the maternal health and the child health. They are organizing different kind of the counseling programs and the awareness program to the to maintain the maternal health, to aware the mother regarding their own health, so that the mother should take their own decision to empower the woman. We all are celebrating the Women's Day. In the Women's Day, we are empowered the women. They should take their own health decisions. Okay. Then the family welfare, we have to enforce the public regarding the, they have to apply the different kind of contraceptive methods so that we have to maintain our economy of country. This country ka jo economical level hai, wo hum kya sakte hain, usse maintain kar sakte hain. Okay, as well as the each individual live their healthy life. Okay, nutrition services. Nutritional services means, for example, in a rural area or also the government are supplying a different kind of nutritional programs like midday meal program hota hai balwadi anganwadi mein midday meal programs hote hain even primary schools mein midday meal programs hote hain theek hai jo maternal women hoti hain matlab ki jo pregnant women hoti hain unko dal aur ye chana gur डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स उन्हें सप्लाई किए जाते हैं एक तरह से एक सपोर्ट दिया गया हमको तो उन सब के रिगार्डिंग हम क्या करते हैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि गवर्नमेंट आपको ये सब प्रोवाइड करती है यू हैव टू यूटिलाइज दीज ऑल मेनी थिंग्स सो दैट यू हैव टू मेंटेन योर ओन सेल्फ ओके पर्सनल हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑलवेज वी आर फोकसिंग ऑन द पर्सनल हाइजीन स्पेशली द जैसे फॉर एग्जाम्पल आप में से बहुत लोग हैं जो मुझे बोलते हैं मैम वी आर सफरिंग फ्रॉम द पीसीओडी एंड वी आर हैविंग दीज मेनी प्रॉब्लम्स लाइक दैट एक्चुअली नो एट द टाइम ऑफ द एडल्टहुड जब चेंजेस आते हैं फीमेल्स में ठीक है रिप्रोडक्टिव चेंजेस आते हैं दैट टाइम वी हैव टू अवेयर द फीमेल्स रिगार्डिंग हाउ टू मेंटेन देयर पर्सनल हाइजीन ओके बट इट्स नॉट ओनली द एडल्टहुड फीमेल for all because by maintaining your personal hygiene you are preventing from different kind of disease conditions okay so this is very important understood so these are the area where we have to educate the people regarding the primary health care how they are maintaining their health by their nutrition levels okay if they having a slight problem they have to find out what are the cause and then they have to manage their health okay And also we have to educate regarding the what kind of the primary health care they are provided by the government. Prevention of disease condition and the prevention and control of the communicable diseases. So for the communicable diseases, we have to aware the people, okay, how they are prevent. If they having a communicable disease, so how they managing. What kind of the facility government are providing to the people so that the people are utilizing these many facilities, okay. Same like the reproductive and maternal health, we have to aware the mother regarding the maternal and the child health services so that the mother are utilizing their services which are provided by the government in a free of cost. आपको पता होगा कि जो antenatal mothers होती हैं या postnatal mothers होती हैं उनको free of cost facility provide की जाती है ठीक है एज लाइक इन अ फैमिली वेलफेयर contraceptive टू मैंने contraceptive method are providing a free of cost to the public, okay? And the nutritional services, as I told you, like balwadi, anganwadi, the midday meal program chalte hain, different kind of food programs chalte hain. ठीक है इसके regarding मदर को supplementary दी जाती है food supplementary दी जाते हैं to maintain the nutrition level of the mother as well as the child. Okay, then the personal hygiene. Also we have to teach regarding the personal hygiene. So these many areas. Okay, understood to all.
understood to all, I'm asking to all of you. Yes, ma'am. Okay. Now the approaches of IEC. The approaches of IEC are based upon the following field or the subject: diffusion theory, social marketing, behavior analysis, and instructive design, and last one the anthropology. Okay, so these are the approaches of the IEC. So one by one we will discuss about the approach of the IEC. The first one is the diffusion theory. So what do you understand by the diffusion? What do you understand by the diffusion, Kanupriya? Ma'am, movement होता है, मतलब movement of an particle or substance from higher concentration to lower. Any ever heard about the diffusion theory? मैंने आपको आज की रोशनी में पढ़ाया है diffusion theory के regarding. Remember or not? Okay. Actually, the diffusion theory is concerned with the spreading of the innovation through a population. Okay, as like researchers, क्या करते हैं? Researchers in the diffusion theory have developed an analytical model for explaining the forecasting and dynamic of the diffusion of an innovation. जैसे for example, researchers क्या करते हैं? जब भी कोई new disease conditions आती हैं, तो वो देखते हैं. आपको एक question बताया था मैंने. What, when, why, where, and how? कि कोई चीज क्यों हुई है? कैसे हुई, कब हुई, कितने पीपल्स हैं जो उससे सफर किए हैं, ठीक है, व्हाट इज द एक्चुअल रीजन बिहाइंड दैट. ओके, सो एंड द रिसर्चर आर मेक फाइंड आउट द ऑल दिस क्वेश्चंस, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस, देन दे आर मेकिंग वन मॉडल. मॉडल्स मीन फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम्स है सोसाइटी में, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम्स है. अब रिसर्चर ने क्या क्या फाइंड आउट, जैसे फॉर एग्जांपल एग्जांपल देती हूँ आपको, जो 13 ईयर में जिन फीमेल्स को मीनार के स्टार्ट होती है, ठीक है, तो दैट टाइम दे आर हैविंग अ लैक ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग द मेंस्ट्रुएशन, इवन दो दे डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ द मटेरियल दे हैव टू यूज, हाउ दे आर मेंटेनिंग देयर पर्सनल हाइजीन, व्हाट काइंड ऑफ द चेंजेस इन देयर बॉडी, the hormonal changes, physical changes, behavioral changes. Okay, then due to of that lack of knowledge, they are suffering more and different kind of the health issues also. Okay, so the researcher are find out what is the actual reason behind that. So they are finding on the basis things like कि क्या 13 ईयर में जब फीमेल्स को मेनार्की होती है तो उन्हें नॉलेज होती है या नहीं होती, अगर उन्हें नॉलेज नहीं होती है तो कौन सॉरी नॉलेज है तो कौन से जो सपोर्टिव ग्रुप है जो वह नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, और नॉलेज होने के बावजूद भी उनका जो पर्सनल हाइजीन है वो मेंटेन नहीं है, स्टिल दे हैविंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ द हेल्थ इश्यूज. दैट मीन जो नॉलेज है वो क्या है, करेक्ट डायरेक्शन में नहीं है, राइट. तो ये सारी चीज़ें क्या करता है, रिसर्चर फाइंड आउट करता है और एक मॉडल फ्रेम आउट करता है कि द पीपल दीज मैनी पीपल्स और दिस पर्टिकुलर डिजीज कंडीशन पर्टिकुलर ग्रुप में ये प्रॉब्लम्स है और ये प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं. हो सकता है तो सपोर्टिव जो नेटवर्क है वो अच्छा नहीं है, या फिर जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनमें ही ऑलरेडी क्या है, मिथ्स हैं कि सोसाइटी या फ्रेंड्स यही सारी चीज़ें फॉलो करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से पर्सन क्या करते हैं आज भी वही थ्योरी अप्लाई कर रहे हैं, और उसका रिजल्ट क्या हुआ, ठीक है, उसका रिजल्ट क्या आया.
तो ये क्या है, एक फ्रेमवर्क बनाते हैं इस चीज़ को, ठीक है, एक मॉडल प्रिपेयर करते हैं एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स वो रिसर्च करते हैं, ठीक है, एंड आफ्टर द कंडक्टिंग द रिसर्च दे विल गेट द रिजल्ट एंड दीज रिजल्ट प्रोवाइड अ न्यू नॉलेज टू द पीपल, ठीक है, सो दैट वी हैव टू शॉर्ट आउट दीज मैनी प्रॉब्लम्स. तो वो क्या आपकी डिफ्यूजन थ्योरी है, यहाँ पे जहाँ पे कि आपने न्यू इनोवेशन किया किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, आपने फाइंड आउट किया, न्यू इनोवेशन किया, उस इनोवेशन के बेसिस में आपने पब्लिक को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, क्योंकि आपके पास उसका क्या है, एक बेस है, एक एविडेंस है. समझ में आया, अंडरस्टूड? यस मैम. नेक्स्ट वो है आपका सोशल मार्केटिंग. सो व्हाट इज द सोशल मार्केटिंग? सोशल मार्केटिंग क्या है, आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है? एडवर्टाइजमेंट करना या फिर अवेयरनेस प्रोवाइड करना किसके थ्रू? सोशल मार्केटिंग करना. अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा बहुत से लोग होते हैं जब कोई कंपनी वो स्टार्ट करते हैं और या फिर कोई प्रोडक्ट वो सेल करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो सब लोगों को बताते हैं उसके बारे में, घर घर जाके बताते हैं ना, फेस टू फेस. उन्होंने एक चैनल लिया हुआ है कि फेस टू फेस वो अवेयर करेंगे पीपल्स को, वैसे सोशल मार्केटिंग होती है. तो सोशल मार्केटिंग क्या है? मैम एडवर्टाइज करना. एक्जेक्टली, एडवर्टाइजमेंट करना किसके रिगार्डिंग? मैम कोई न्यू नॉलेज के रिगार्डिंग. नॉलेज के रिगार्डिंग पीपल को अवेयर करना, ठीक है, वो क्या है, सोशल मार्केटिंग है. चाहे आप किसी मीडिया से कर रहे हो, आपने ऑनलाइन मीडिया लिया है या सोशल सपोर्ट नेटवर्क लिया है या फिर आपने हेल्थ पर्सन लिए हैं, ठीक है, किसी भी नेटवर्क एरिया से, मतलब किसी भी टेक्निक से आप क्या करते हो, सोशल मार्केटिंग कर रहे हो, यानी कि किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को पब्लिक में क्या कर रहे हो, स्प्रेड कर रहे हो, उन्हें अवेयर कर रहे हो उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग, ठीक है, क्यों कर रहे हो, सो दैट की जो पीपल से उनको फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिकली क्या रहे, इकोनॉमिकली डेवलपमेंट के लिए, ठीक है. नाउ द बिहेवियर एनालिसिस. बिहेवियर एनालिसिस मैं आपको पहले ही बताया है. हाउ वी विल एनालाइज द बिहेवियर ऑफ द पीपल थ्रू द आईईसी. ओके, आपने कभी कोई ऐसी काउंसलिंग या फिर कोई सेमिनार अटेंड किया है जहाँ पे आपसे क्वेश्चनाइज किया जाता है रिगार्डिंग पर्टिकुलर प्रॉब्लम, किसी नॉट प्रॉब्लम, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, एक्चुअली आप उसके रिगार्डिंग क्या सोचते हो? चलो ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ठीक है. अभी भी सोसाइटीज में क्या है कि अगर कोई मेंस्ट्रुएशन के बारे में बात करता है, कोई भी फैमिली में स्पेशली सोसाइटी में, तो हम मेंस्ट्रुएशन के बारे में बात करते हैं व्हेन द फीमेल हैव एनी काइंड ऑफ द मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, ठीक है, तो वो करते सप्रेस करती है, वो सब लोगों से उस चीज़ को किसी से भी वो ऐसे शेयर नहीं करती है. अंडरस्टूड? तो वो क्यों है, जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल बिहेवियर, ठीक है, हमारी सोसाइटी का ही वो बिहेवियर है, राइट. आज भी क्या करते हैं कि फीमेल्स जो होती हैं वो मेंसेस टाइम पे पूजा नहीं करती हैं, कुछ लोग नहाते नहीं हैं, कुछ लोग खाना नहीं बनाते हैं, ठीक है, कुछ लोग घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं, कुछ लोग फिजिकल एक्टिविटी ही नहीं करते हैं, और सबसे ज़्यादा एब्सेंटस भी होती हैं ना, आप लोग भी तो करते हो, हम एब्डोमेन पेन था, अपनी फिजिकल रिस्ट्रिक्शंस कर देते हैं उन 6 डेज के लिए. ऐसा क्यों है, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि ऐसा क्यों है, आप ऐसा क्यों करते हो, तो आप क्या जवाब दोगे, आपको किसके थ्रू ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हुई है?
आप में से बहुत लोग हैं ना जो फॉलो करते हैं सारी चीजें, यस और नो? यस और नो? यस मैम। बताओ क्यों करते? What is the reason behind that? आपको इन्फॉर्मेशन किसने दिया? ये आपको मेंस्ट्रुएशन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ से मिलती है? स्पीक अप स्टूडेंट। वंशिका, वंशिका पुन, पूजा कार्की। यस मैम। कहाँ से मिली आपको ये इन्फॉर्मेशन? वेयर यू गेट द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द मेंस्ट्रुएशन दैट यू आर फॉलोइंग फ्रॉम द लास्ट 5 or 6 ईयर्स? व्यक्ति मेरा आपकी स्टार्ट हुई मैम, स्टार्टिंग में जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन होती है वो तो हमें फैमिली से मिलती है, लाइक मदर से। और उनको जो इन्फॉर्मेशन मिली होगी वो उनको अपनी मदर से मिली होगी। बट जो सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन होती है विच इज रिलेटेड टू हेल्थ, वो हमें मिलते हैं स्कूल्स में या फिर जो भी वो मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, उससे इन्फॉर्मेशन मिलती है। बट जो प्राइमरी होती है वो तो घर से मिलेगी। तो उससे क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन आप लेते हो वैसा ही आपका परसेप्शन होता है, आपका बिहेवियर वैसे ही होता है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम या बिकॉज मेंस्ट्रुएशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, ये पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग आपका बिहेवियर वैसे ही होगा, राइट? तो बाय द इन्फॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन